नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के कुराइन पत्रा गांव में 15वीं वित्त की योजना से बन रही पीसीसी सड़क में पंचायत के उप मुखिया अनुज कुमार और ओम प्रकाश प्रजापति ने अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है और जांच करने की मांग की है। उप मुखिया अनुज कुमार ने सड़क की गुणवत्ता में अनदेखी का आरोप लगाया। यहाँ पे पीसीसी रोड जो बन रहा था साको सिंह के घर से लेकर बरगद के पेड़ तक, ये जो रोड बन रहा था ये रोड 2 नंबर का बन रहा था। और यहाँ पे जब हम गए मना करने तो ये यहाँ पे मेंटल का कमी था, मेंटल तो दिया नहीं था। और मुखिया जी को बुलाया गया तो मुखिया जी बोलते हैं कि जिसको जो करना है करने दो, रोड बनेगा। तो मुखिया जी कौन बोलते हैं? पूनम देवी मुखिया पति। अच्छा। और यहाँ पे कितना भी बोले तो ये आदमी को जुटा कर हमको बरगलाने का काम किए, डराने का काम किए और अपना रंगबाजी से काम किए। और मेंटल सिर्फ दिखावा के लिए ऊपर से ऊपर डाला गया है, सही काम नहीं हुआ है। जय क्या बोलता है? जय क्या, जय तो खुद देखने नहीं आते, वो मुखिया के मिली भगत से काम हो रहा है सब चीज़। यहाँ पे जो रोड बनाया जा रहा है, रोड डायरेक्ट समझिए कि 2 नंबर के काम किया जा रहा है। क्या पहला काम तो है कि जो सोलिंग होता है कच्चा रोड पर, वो सोलिंग नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ डस्ट ऐसी डालकर इन लोग रोड को रंग कर ढाला जा रहा है। दूसरी बात, सीमेंट की मात्रा नहीं डाला जा रहा है बढ़ातरी। पंचायत सचिव से पूछे तो बोले कि हम तो जेई से बात करके बता रहे हैं, जेई सर को फोन लगावल जा रहा है तो उठा नहीं रहे। यहाँ पे मुखिया पति वीरेंद्र राम जी आए तो कहें कि जिसको जहाँ जाना है जाए, रोड ढलाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर जेई ने बताया कि पीसीसी सड़क ढलाई की उन्हें सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि ढलाई से पहले मेटल और डस्ट को सड़क पर डालना है, अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो गलत है। वहीं इस पूरे मामले पर मुखिया पूनम देवी ने बताया कि इस योजना में ईंट का सोलिंग नहीं होना है और पंचायत के उप मुखिया द्वारा ईंट का सोलिंग कर ढलाई करने की मांग की जा रही है। उनके द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। उप मुखिया पहले अपनी जानकारी बढ़ा लें, योजनाओं के बारे में जानने के बाद ही किसी पर कुछ आरोप लगाएं।